नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 2 फरवरी, कल हमने पूरे ही एग्री पैक के अंदर दिन के सेशन में तो तेजी देखी, बट लेट इन द सेशन में हमने पूरे ही काउंटर में एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी। नो डाउट कॉटन सीड ऑयल के कपास, इनमें हमने जरूर थोड़ा बहुत सपोर्ट आते हुए देखा। बाकी जो एग्रीकल्चर सेस हुआ उसका जो रिजल्ट था मार्केट के ऊपर, वो मार्केट ने नेगेटिव लेता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट अदर फंडामेंटल्स भी है जो प्राइसेस पे प्रेशर कर रहे थे, जैसे सोयाबीन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें या एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो अभी हमने देखा है जिस ढंग से बर्ड फ्लू के आउटब्रेक की वजह से डिमांड में थोड़ा बहुत ड्रॉप है, तो अपसाइड तो एटलीस्ट कैप हो चुका है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल में भी देखें तो प्राइसेस अब 1370 के करीब ही अटका हुआ है। सोया मिल फ्लैट है। सोया ऑयल में नो डाउट जिस ढंग से मलेशिया के अंदर फिर से लॉकडाउन अनाउंस हुआ, लेबर कंसर्न है, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे थोड़ा बहुत सपोर्ट देना चाहिए। साथ में हमने देखा हायर टैरिफ ऑन इंडोनेशियन क्रूड पाम ऑयल, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक कंसर्न दिखा रहा है। ओवरऑल हमें लगता है कल की गिरावट के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ है। सबसे पहले अगर सोयाबीन की बात करें तो मार्केट 4500 से लेकर 4700 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कल की गिरावट के बाद आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, जो 4680 के टारगेट के लिए हम सोयाबीन ले सकते हैं। रिफाइंड सोया ऑयल में 1100 का लेवल होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आज प्राइसेस 1100 का लेवल होल्ड कर जाता तो 1120 के टारगेट के लेके चलिए। मस्टर्ड में पैटर्न्स बने हुए जो पॉजिटिव है, बट मार्केट 5500 का लेवल कंटिन्यू होल्ड करता है तो 5640 से 5700 तक के लेवल हम मस्टर्ड में देख पाएंगे। वही कैस्टर की बात करें, अराइवल सामने है जिसके चलते भी प्राइजेस में थोड़ा दबाव है। मार्केट वैसे भी रिंग बाउंड है, जब तक 4500 के ऊपर नहीं निकलता है प्राइजेस में ड्रॉप रह सकता है, जो 4340 मैक्सिमम सपोर्ट दिखा रहा है। बट ध्यान रखिए कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं कैस्टर को भी आने वाले दिनों में सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। मसालों के अंदर हमने खास करके हल्दी और जीरा में बड़ी तेजी के बाद बड़ी मंदी आते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ अगर हल्दी की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा टाइटनिंग होते जा रहे हैं, फार्मर्स के एजिटेशन बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ओवरऑल आउटलुक तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ हमने देखा अराइवल्स भी सामने है, कैरियर स्टॉक भी है, जिसके चलते दबाव जरूर है, बट लॉन्ग टर्म सिनेरियो अभी भी बुलिश है। जीरे की जो प्रोग्रेस है सोइंग की, वो काफी अच्छी है, यील्ड में इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव है, बट साइकोलॉजिकली 13000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज दिन में मार्केट गिरावट दिखा सकता है, जो 12950 तक का सपोर्ट ले सकता है। धनिया में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा प्राइसेस 6400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो रेंज 6000 से लेकर 6250 के बीच का ही रहेगा। जबकि चने में हम बिकवाली देख सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, 4440 के ड्रॉप पे लेके चलेंगे हम 4550 के टारगेट के लिए। कॉटन सीड ऑयल केक में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, कारण उसका है कि हायर लेवल पे हमने देखा है कि बाइंग ड्रॉप हो जाती है, और पिछले 2 हफ्ते से हो क्या रहा है, सोमवार को मार्केट गैप अप से खुलता है, मंगलवार बुधवार वापस मार्केट में सुस्ती हो जाती है, तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा सा आज पुलबैक देखने मिल सकता है। 2040-50 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चलिए, जब तक 2140 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट में दबाव रह सकता है। गवार सीड गवार गम कल थोड़ा बहुत पुलबैक था, आज मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, 3850 से 3950 का रेंज रहेगा गवार का, 6000 से 6250 का रेंज रहेगा गवार सीड का, लोअर लेवल से बाइंग इनिशिएट करके चलनी चाहिए। मेंथा रेंज बाउंड है, सीपीओ के प्राइजेस के अंदर गेन है, बट इंटरनेशनल मार्केट में आज नेगेटिविटी है, तो 990 तक का लेवल छूने के बाद प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। कॉटन के प्राइजेस में भी दबाव रह सकता है इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, जो कहीं ना कहीं डाउन साइड के अंदर 20800 तक का लेवल दिखा देगा। चार्टिकली सोयाबीन एक रेंज में रहने की उम्मीद है, आज दिन के सेशन में तो मार्केट थोड़ा सा तेज रह सकता है, बट अपसाइड 4650 तक का ही रहेगा। एग्रीडेस रेंज बाउंड है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम अब तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी का अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।